खेरो थाना क्षेत्र के अंतर्गत सेमरी चौकी क्षेत्र के महारानीगंज में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया जब एक अपराधी ने सेमरी चौकी में तैनात पुलिसकर्मी को चाकू मारकर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे सिपाही घायल हो गया। किसी तरह से उसे साथी पुलिसकर्मी को बचा लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार आपको बता दी चले कि सेमरी चौकी के अंतर्गत महारानीगंज में रोज की तरह बाजार लगी हुई थी, तभी खरगापुर निवासी राजेंद्र शुक्ला उर्फ बड़े नटवर लाल शानू शुक्ला पुत्र लोकनाथ शुक्ला आए दिन किसी ना किसी के साथ गाली गलौज किया करते थे। आज शाम को वह लोग रोज की तरह आज भी गाली गलौज कर रहे थे, तभी इसकी सूचना सेमरी चौकी प्रभारी को हुई तो वह दो पुलिसकर्मियों को भेजा। जब वह पुलिसकर्मी उन्हें समझा रहे थे कि वह दबंग प्रवृत्ति के लोग, पुलिसकर्मी के ऊपर ही चाकू से प्रहार कर दिया, जिसे वहां पुलिसकर्मी घायल हो गया, जिसे साथी पुलिसकर्मी ने आनन फानन में खीरो सीएचसी लेकर पहुंचाया, जहां पर सिपाही का इलाज चल रहा है। संवाददाता मोहम्मद इरफान की रिपोर्ट। क्या हुआ आपके साथ? मैं ड्यूटी पे था जी, तो चौकी चाचा के पास फोन आया था, भित्री के जो प्रधान है ना जी, उनके लड़के ने फोन किया था, बता रहा था कोई हमारे लिए मतलब गाली गलौज कर रहा है, मारपीट कर रहा है जी। चौकी चाचा साहब हमें सूचना दिए थे, बोले जाओ मौके देखो जाके क्या हुआ जी। तो हम और हमारे साथ में बिंदेश नाम का गार्ड गया था जी, तो वहाँ देखा जाके मैं तो वो वहाँ पे नहीं था, दूसरी जगह हट गया था वहाँ से। तो मैंने उनसे नाम पूछा तो नाम बताया था बड़े शुक्ला, तो मैं गया था उसके उससे वहाँ बैठा हुआ था दुकान पे, तो उससे मैंने पूछा था नाम क्या है तुम्हारा, तो उसने नाम बताया, तो इतने ही में वो चाकू निकाल के बात कर दिया मेरे ऊपर, पहला हाथ में मारा था, फिर मैं पीछे हुआ तो मेरे यहाँ पे जांघे पे मार दिया था, फिर एक गर्दन पे भी मारा था। कितने बार किए आपके ऊपर? 6-7 बार किए हैं, फिर मोटरसाइकिल से अपने साथी के साथ में भाग गया था।